कांटे की टक्कर आप कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी 41 सीटों से आगे चल रही है, बीजेपी 43 सीटों से आगे चल रही है। इतना फेर बदल, इतना बदलाव, इतनी लीड बीजेपी ने। सबसे बड़ी बात तो भाई मैं बात करूं तो दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम थे उचाणा विधानसभा से, वो ही पिछड़ रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। नायब सैनी आगे हो गए थे, एक बार फिर से पीछे हो गए हैं। लेकिन विनेश फोगाट जुराना की सीट से जो लगातार सुबह से आगे चल रही बढ़त बनाई हुई थी, भारी बढ़त थी, वो अभी थोड़ी कम हुई है, पीछे हो गई है, पीछे हो गई है वो। हाँ, अभी कैप्टन योगेश जुराना से आगे चल रहे हैं। जी जी, और बात करा तो सपीदो विधानसभा से क्या चला हुआ सपीदो से? और असम की बात करें, बीजेपी आगे चल रही है, करनाल से भी बीजेपी आगे चल रही है, असम और करनाल से दोनों सीटें बीजेपी आगे है फिलहाल। सपीदो से कांग्रेस आगे है, सपीदो से गौतम पिछड़ गए हैं भाई फिलहाल, जींद से बीजेपी आगे है, कृष्ण मिड्डा डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जींद से आगे चल रहे हैं। इस समय बढ़त कितनी बताई जा रही है? लगभग बढ़त तो एक बस कुछ ही हजारों में है, इतना नहीं है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा बढ़त अभी किसी को नहीं, शुरू हुई है, आंकड़े बदल सकते हैं। बागना से बीजेपी है, दादरी से बीजेपी है, भिवानी से बीजेपी, तोसाम से बीजेपी, बवानी खेड़ा से भी बीजेपी आगे चल रही है। ये देखिए भाई, लगातार जो समीकरण है वो बदलते जा रहे हैं। भिवानी जिले के और दादरी जिले के समीकरण बदल कर रख दिए, जहां एक तरफा कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी। इस साइड की बात करें, कोसली रेवाड़ी की बात करें, पटौदी बादशाहपुर, वहां भी बीजेपी लगातार आगे अभी। अब टकराव कांटे की हो गई है, दोनों पार्टियां सेम पोजीशन पर आ चुकी हैं। परथला और फरीदाबाद एनआईटी की बात करा तो कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए फरीदाबाद और परथला सीट से इस समय बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आगे चली हुई है। और बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा से भी कांग्रेस आगे, बड़ौदा से कांग्रेस है। लाडवा से जो सीएम साहब थे वो पीछे हो गए, कांग्रेस आगे निकल गई। बड़ा अपडेट आ रहा है कि नायब सैनी पीछे चले गए हैं लाडवा विधानसभा से। बीजेपी से जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है वो पीछे हो गए हैं, पीछे हो गए वही फिलहाल। खरखोदा से बात करें बीजेपी आगे है, सोनीपत शहर से बात करें बीजेपी आगे, खरखोदा और सोनीपत शहर से बीजेपी आगे बढ़त बना ली है। जहां पहले कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए थे, अब वहां पर बीजेपी आगे आ गई है। आदमपुर बीजेपी आगे है, आदमपुर से भवे बिश्नोई बदललाल के पोते हैं, वो आगे चले हुए, सुबह से ही आगे हुए, वहां कोई उलटफेर नहीं हुआ है, जैसा कि उच्चारण में बार बार उलटफेर देखने को मिल रहा है। महम में बहुत बड़ी खबर, महम बलराज कुंडू सामने है, बलराम दांगी है, वहां से कांग्रेस आगे चल रही है। समाज सेवी बलराज कुंडू पछाड़ दिया गया है, राधा अलावत भी पिछड़ चुकी है, कांग्रेस पार्टी ने अपना जो गढ़ है उसको बचाने में कामयाब होती है। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा पहले विधायक आए गए, जी जी, वो आगे चल रहा है बीजेपी पर। बीजेपी पार्टी बल्लभगढ़ पर अपना एक बार फिर कब्जा किए हुए लग रही है दोबारा से। और बेरी से रघुवीर सिंह काद्यान आगे चल रहे हैं वही फिलहाल। कलायत से कांग्रेस पार्टी आगे है, कलायत से जेपी जो उनके भतीजे शायद उम्मीदवार, वो आगे चल रहे हैं, बेटे भतीजे शायद। जुराना से कांग्रेस पार्टी फिर से आगे हो गई भाई, विनेश फोगाट ने फिर बढ़त बना ली है। विनेश फोगाट ने कैप्टन योगेश बरागी पर दूसरी बार, अब दोबारा से विनेश फोगाट पहलवान बड़ा चर्चित चेहरा, वो एक बार फिर आगे आ गई है जुराना विधानसभा से। कैप्टन योगेश